दाल छोला, दाल छोला मक्की दाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा यार, उम्मीद है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू का हर फैमिली मेंबर बिल्कुल हैरियत से होने वाला है और उसने बड़े अच्छे से अपनी आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, खैरियत से हूँ और मैंने बहुत अच्छे से अपनी जो आज़ादी थी, आज़ादी का जो दिन था 14th अगस्त, उसको मैंने सेलिब्रेट किया। अच्छा यार, 14th अगस्त भी ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक हमें मरी से रश जो है वो ख़त्म होता नहीं दिखा। मैं तो ऐसे सोच रहा था, चलें अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अजान हो रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा डियर फ्रेंड्स, अजान जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं आपसे बात करना चाह रहा था, देखें आज भी उसी तरह ट्रैफिक जो है वो रोज़ाना की बेस पे जैसे माल रोड के लिए इंटर होता है, इसी तरह 14th अगस्त गुजरने के बाद भी ट्रैफिक इसी तरह माल रोड पे इंटर हो रहा है, यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा हमें मरी के अंदर रश जो है वो देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप रिसेंट व्लॉग में देख रहे थे, यहाँ से बंदा एक कदम उठा के आगे नहीं चल सकता था, इतना रश हमें देखने को मिल रहा था। एंड स्क्रीन पे मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग चल के ना वो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा कितना ज़्यादा हमें 14th अगस्त पे रश जो है वो GPO चौक के अंदर देखने को मिल रहा था। यकीन करें, एक कदम उठा के आगे रखना मुश्किल था इस जगह पर इतना रश था। और रश की वजह यह भी है कि ये जो सीज़न है फोग वाला, ये बहुत खूबसूरत किस्म का सीज़न है जो कि अभी बाकी है। हमें जिका गली वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फोग वगैरह देखने को मिल रही है और माल रोड का वेदर तो आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यही व्लॉग अगर इवनिंग में शूट हो रहा होता आफ्टर मगरिब तो हमें उसी तरह रश देखने को मिल रहा होता है जैसे कि हर शाम में देखने को मिल रहा होता है। अभी जो है वो दोपहर का टाइम है, हमारे आए हुए मेहमान जो है वो बाहर गए हुए हैं अयोध्या पत्रियाटा नथिया गली वाली साइड पे, सो इसलिए अभी यहाँ पे आपको इतना रश नहीं देखने को मिल रहा कि चलना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन शाम को ऐसे होगा। लेकिन ट्रैफिक से तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। रश क्राउड ख़त्म हम उस दिन को कहते हैं, उन दिनों को कहते हैं जिन दिनों में ना यहाँ पे यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये माल रोड उनका क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बना होता है, तो बड़े खूबसूरत मनाजिर होते हैं वो भी और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं। आप दुकानों पे जो है वो शॉपिंग वगैरह का रश देख सकते हो, जिन लोगों ने आज वापसी करनी है वो अपने बैग्स जो हैं वो पैक करने के लिए शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आज वापस भी हो रहे होंगे। कल से हमारी यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह ओपन है, खुशी होगी क्लासमेट से मिलने की। और मेरा जो है वो फाइनल रिज़ल्ट भी देखने को मिल गया। पिछली दफ़ा जो रिज़ल्ट मेरा था उसमें टोटल जो मेरा CGPA था वो 3.31 था, तो अब ये जो अभी मेरा रिसेंट थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट देखने को मिला इसमें मेरा जो CGPA है वो है 3.39, 8 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें देखने को मिला इस सेमेस्टर में, तो इंशाल्लाह आगे फर्दर और भी इम्प्रूव करने की कोशिश होगी आप लोगों की दुआओं से। ये फ्लावर्स देखें, रिंग, ये मेरे फ्रेंड ने जो बनाया था। बहुत रश यार हमें इस 14th अगस्त में देखने को मिला। यकीन करें, इंसानों का सैलाब जो था वो मरी के अंदर था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कदम उठाना जो है वो डिफ़िकल्ट था GPO चौक में। वो आप लाइव सेशन वगैरह देखोगे तो आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। दो लाइव सेशन भी हमने लिए GPO चौक से, एक 13th अगस्त को, एक 14th अगस्त को, तो बड़ा अच्छा लगा यार ये चीज़ें देख के। हमारा ये ना जो 2023 का 14th अगस्त था इस पे हमें ज़्यादा रश देखने को मिला है 2022 की बनिस्बत। 2022 में इतना रश नहीं था, लेकिन पता नहीं आबादी बढ़ गई है ये क्या हुआ एक ईयर में यार इतना रश।
यहाँ पे उस टाइम पे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी दोपहर है, दोपहर में धूप में यहाँ पे बैठना कोई पसंद नहीं करता, तो इसलिए अभी यहाँ पे काफ़ी हमें बैठने के लिए जो है वो जगह देखने को मिलेगी। बकाया वेदर आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का वेदर है। कोट जैकेट स्वेटर वगैरह की फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर ज़रूरत पड़ सकती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, खरीदनी पड़ेगी यहाँ पे। माल रोड के ऊपर भी जो है वो जरा सी अगर बारिश हो जाती है तो ये चीज़ें सेल करने वाले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आगे स्नोफॉल वाला जब सीज़न आएगा ना एक दो मंथ्स के बाद, फिर हमें जो है वो कोट जैकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मरी के अंदर, उसके बगैर जो है वो मरी आना बेवकूफ़ी है, कोट जैकेट के बगैर ये जो आगे स्नोफॉल वाला सीज़न आने वाला है। तो अभी आप प्लीज़ साथ में वज़न ना उठाइएगा, अभी इतनी जो है वो कोट जैकेट की ज़रूरत नहीं है। बड़े खूबसूरत किस्म का, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का वेदर हमें मरी के अंदर देखने को मिल रहा होता है। ये देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आपको जो है वो इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, बड़ी खूबसूरत माहौल है, ठंडा सा। शायद आज फिर हमें जो है वो बारिश देखने को मिल रही हो, वो सामने कैंट एरिया वाली साइड पे बहुत तेज़ी से बादल जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, और इसके अलावा फोग भी जो है वो स्प्रेड हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के होटल्स के रूम्स के जो रेंट्स हैं ना वो हमें कम देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि रोज़ाना की बेस पे ये जो रश क्राउड का ग्राफ या सीज़न का ग्राफ पीक पे जा रहा था ना, ये रोज़ाना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता हमें दिखाई देगा, जिसकी वजह से रूम रेंट भी हमें बहुत मुनासिब देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जो 10K में हमें रूम देखने को मिल रहा था ना माल रोड पे कल, वो आज तो 7K 6K इस तरह इजीली देखने को मिल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 2.5K यानी 2500 या 3000 में भी ईजीली देखने को मिल रहा होगा, वो वक्त दूर नहीं है, करीब ही है। तो आगे काले बादल तो आप देखो यार, डियर फ्रेंड्स, रूम रेंट वगैरह के रिलेटेड भी मैंने आपको गाइड किया, यानी कि 10K वाला रूम जो है वो 6K पे आ चुका है और जल्दी 3K पे भी आ रहा होगा, जिससे जो है वो फैमिली वाले लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा, क्योंकि अच्छे से मरी को जो है वो रश क्राउड कम हो जाएगा, अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे और रूम रेंट भी जो है वो मुनासिब देखने को मिलेगा। सो उम्मीद है मुझे आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, वेदर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, हर 5 मिनट बाद चेंज हो रहा है, फॉग वगैरह देखने को मिल जाएगी, अभी आधा मंथ या एक मंथ तक हम इंशाल्लाह ज़रूर फॉग देखने को मिल रही होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ओपिनियंस के अंदर ही हम लोग अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कमी किसी को नहीं दिखती, आप अगर गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।